काटोल में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां सावरकर परिवार सामाजिक संदेशों का फलक लगाकर सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है। आजकल शादियों में लाखों रुपए के खर्च करना, अलग अलग इवेंट करना और मौज करना आम बात है, मगर नागपुर के काटोल में एक ऐसी शादी हुई है जिससे लोग देखते ही रह गए। आजकल शादियों में सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है। काटोल के परिवार ने भी शादी में सेल्फी पॉइंट तो बनाया, मगर वहाँ पर भी लोगों से प्रतिज्ञा ली गई कि वे रक्तदान करेंगे और पौधे लगाएंगे। साथ ही शादी में पौधे, रक्तदान और पानी का संदेश देते हुए रंगोली भी बनवाई गई थी। साथ ही अक्षत पॉकेट पर जन जागृति संदेश लिखे गए थे। पानी पीने की जगह पर पानी वाजवा और खाना खाने की जगह पर किसान के प्रति संदेश लिखे गए थे। मी माझ्या भाऊजीच्या लग्नामध्ये गेलो होतो। तिथे मी त्यांच्या लग्नामध्ये पाहिलं की जनजागृती कशी केली जाते झाडाविषयी। त्यांच्या लग्नामध्ये आल्यानंतर मी एक संकल्प निर्माण केला की आपल्या घरच्या लग्नामध्ये सुद्धा आपण झाडाविषयी माहिती द्यायची, ब्लडविषयी माहिती द्यायची। ही माहिती देताना मी खूप काही उपक्रम बघितले, सेल्फी स्टँड बनवला, जेवण करताना तिथे लिहिलं अन्नदान श्रेष्ठदान, त्यानंतर रांगोळ्या काढण्यात आल्या, ब्लड डोनेशनविषयी रांगोळ्या काढण्यात आल्या। खूप काही असे नवनवीन मी उपक्रम माझ्या बहिणीच्या लग्नामध्ये राबविले आहे। मी माझ्या बहिणीच्या लग्नामध्ये लग्नाच्या पत्रिकेमध्ये सुद्धा हा जनजागृतीचा संदेश दिलेला आहे आणि मी हर 3 ते 5 महिन्यांमध्ये ब्लड डोनेशनसुद्धा करतो आणि जास्तीत जास्त झाडे जगविण्याचा प्रयत्नसुद्धा करतो। लोग अपने घर की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसकी चर्चाएं भी खूब होती है, मगर आज जो सावरकर परिवार ने समाज के लिए किया है वह सभी ने करना चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।